संत योहन का सुसमाचार अध्याय 15:13। प्रभु यीशु कहते हैं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। प्रभु यीशु कहते हैं, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है। कैसा प्रेम? अपने मित्रों के लिए प्राण अर्पित करना। प्रभु यीशु ने अपना प्राण अर्पित कर दिया। योहन के सुसमाचार अध्याय 3:16 में हम सुने थे सुबह भी, परमेश्वर ने इस संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को ही अर्पित कर दिया। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5:8 में लिखा है, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। जी हां, प्रभु का प्रेम कहां प्रकट होता है? उसका हमारे बदले मर जाना, प्रभु यीशु का हमारे बदले मर जाना। योहन के पहले पत्र अध्याय 3:16 में भी लिखा है, हम प्रेम का मर्म इसी से पहचान गए कि ईसा ने हमारे लिए अपना जीवन अर्पित किया। हम प्रेम का मर्म इसी से जान गए कि ईसा ने हमारे लिए अपना जीवन अर्पित किया। यीशु मसीह ने अपना जीवन अर्पित किया, अपना प्राण अर्पित किया। अर्पण, अर्पित करना। एफेसियों के पत्र में भी अध्याय 5, एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5:2 में लिखा है, प्रेम के मार्ग पर चलें, जिस तरह मसीह ने आप लोगों को प्यार किया और सुगंधित भेंट और बलि के रूप में ईश्वर के प्रति अपने को हमारे लिए अर्पित कर दिया। यीशु मसीह ने अपने आप को अर्पित कर दिया, अपने प्राण को अर्पित कर दिया। एक माँ जब अपने बच्चों से प्यार करती है, वो माँ क्या करती है? अपने आप को अर्पित करती है, अपना दूध अपने बच्चे को देती है, अपना समय उस बच्चे को देती है, अपना सब कुछ उस बच्चे के लिए अर्पित करती है। यहाँ कितनी माता लोग हैं, अपने लिए कुछ नहीं करती, बस जो भी करते हैं बच्चों के लिए, परिवार के लिए। हो सकता है कितनी माताएं होंगी जो क्या बोलते हैं 4-5 साल में एक साड़ी खरीदती होंगी। कितने पिता हैं इसी तरह, क्या बोलते हैं, अपने लिए कपड़े खरीदने के लिए कभी नहीं सोचेंगे, मगर वो अब सिर्फ बच्चों के बारे में सोचेंगे, परिवार के बारे में सोचेंगे। यह है अर्पित जीवन, अर्पित जीवन। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को अर्पित किया, अपने प्राण को अर्पित कर दिया, अपने लहू को अर्पित कर दिया। योहन के पहले पत्र अध्याय 3:16 उसका दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे। दूसरे भाग में लिखा है, हमें भी अपने भाइयों के लिए अपना जीवन अर्पित करना चाहिए। हम प्रेम का मर्म इसी से पहचान गए कि ईसा ने हमारे लिए अपना जीवन अर्पित किया, और हमें भी अपने भाई बहनों के लिए अपना जीवन अर्पित करना चाहिए। अपने लिए सब जीते हैं, दूसरों के लिए जीना ही बड़ी बात होती है। इब्रानियों के पत्र अध्याय 12:2 में लिखा है, यीशु मसीह के बारे में लिखा है, इब्रानियों के पत्र अध्याय 12:2 में, भविष्य में प्राप्त होने वाले आनंद के लिए यीशु मसीह ने क्रूस के कष्ट को स्वीकार किया और उस मृत्यु की, उस लज्जा की परवाह नहीं की। यीशु मसीह ने भविष्य में प्राप्त होने वाले आनंद के लिए, कौन सा आनंद? हमारी खुशी के लिए, समस्त संसार की खुशी के लिए, समस्त मानव जाति की खुशी के लिए क्या किया? क्रूस के कष्ट को स्वीकार किया। प्रभु यीशु ने बहुत कुष्ट कष्ट झेला, कोड़ों के मार खाए, निर्वस्त्र होना पड़ा उनको, भारी क्रूस को उठाना पड़ा, कलवारी पर्वत तक उठा के ले जाना पड़ा, उस क्रूस पर उनको टांग के मरना पड़ा, तरह तरह की बातें सुननी पड़ी। जी हाँ, एक लज्जाजनक मौत को उन्होंने अपना लिया, लज्जाजनक मौत, बहुत बुरी मौत प्रभु यीशु ने अपना ली। क्या के लिए? हमारे लिए, हमारी खुशी के लिए, हमारे आनंद के लिए, हमारी भलाई के लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमारे उद्धार के लिए। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8:32 में लिखा है, उसने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया, उसने हम सबों के लिए उसे समर्पित कर दिया, तो इतना देने के बाद क्या वह हमें सब कुछ नहीं देगा?
इतना देने के बाद क्या वो हमें सब कुछ नहीं देगा? जो पिता जिसने हमसे प्यार किया अपने पुत्र को अर्पित कर दिया, क्या वो हमें सब कुछ नहीं देगा? जो यीशु जिसने हमारे लिए अपने लहू को अर्पित कर दिया, अपने प्राण को अर्पित कर दिया, अपने आप को अर्पित कर दिया, क्या वो हमें सब कुछ नहीं देगा? प्रभु यीशु के जीवन के कुछ क्षणों को देखें। प्रभु यीशु अपने लिए नहीं जिए, प्रभु यीशु अपने लिए नहीं जिए। उन्होंने ना अपने लिए कोई मकान बनवाया, ना अपने लिए कहीं जमीन खरीदी, ना अपने लिए कोई रसोई बनाई, ना अपने लिए कोई खाना पकान, कुछ उनका विशेष कुछ भी नहीं था। उनका जीवन दूसरों के लिए था। वो जिए तो दूसरों के लिए जिए, वो मरे तो दूसरों के लिए मरे। जी हाँ, जन्म लेने के लिए कोई उनका मकान नहीं था, उनका कोई घर नहीं था, उनका कोई कमरा नहीं था। मरने के लिए, जी हाँ, उनको ना इस धरती पर कोई जगह थी, ना आकाश में, धरती और आकाश के बीच में। गाड़े जाने के लिए उनको अपनी कब्र तक नहीं थी। ओ महान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार रखने वाला, असंभव को संभव बनाने वाला प्रभु मनुष्य बन के आता है। सब कुछ छोड़ के, अपनी महिमा छोड़ के, अपना स्वर्ग छोड़ के आता है। सब कुछ अर्पित करता है हमारे लिए, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, वो हमसे प्यार करता है। प्रभु यीशु क्यों मरे? प्रभु यीशु ने क्यों अपना जीवन अर्पित किया? प्रभु यीशु ने क्यों अपना प्राण अर्पित कर दिया? वो हमसे प्यार करता है। प्रभु यीशु की मृत्यु प्रायश्चित का बलिदान है। प्रभु यीशु का मरना हमारे लिए प्रायश्चित है। इसका मतलब यदि हमने पाप किया है, जब हम पाप करते हैं, हमें प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रायश्चित किया है। यूहन्न का पहला पत्र अध्याय 2:2 में लिखा है, अध्याय 2:2 में लिखा है, उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है, न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए भी। प्रभु यीशु ने हमसे प्यार किया तो हमारे पापों के लिए उसने प्रायश्चित किया। प्रभु यीशु का क्रूस पर मर जाना हमारे पापों के लिए प्रायश्चित है। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8:3 में लिखा हुआ है, मानव स्वभाव की दुर्बलता के कारण मूसा की संहिता जो कार्य करने में असमर्थ थी, वो कार्य ईश्वर ने कर दिया है। उसने पाप के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। पिता ने हमारे पाप के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा, जिसने पापी मनुष्य के सदृश शरीर धारण किया। इस प्रकार ईश्वर ने मानव शरीर में पाप को दंडित किया है। प्रभु यीशु के बारे में लिखा है, उसने पापी मनुष्य के सदृश शरीर धारण किया। कोई कुएं में गिरा हुआ है, कुएं से उसको उठाना है, कई रास्ते हैं। कैसे उठाएंगे? कुएं से कैसे निकालेंगे? बताइए, कैसे निकालेंगे कुएं से? जहां कोई रस्सी डाल सकता है, बोलेंगे भैया रस्सी पकड़ो, हम उठा लें और खींच लेंगे। रस्सी पकड़ के खींच सकते हैं, जी हाँ। दूसरा, टोकरी बांध के टोकरी उतार देंगे, बोल देंगे टोकरी में बैठ जाओ, हम खींचेंगे, खींच लेंगे, निकाल देंगे। तीसरा, सीढ़ी लगाएंगे, बोलेंगे सीढ़ी से चढ़ के आओ। और कोई रास्ता? जी जी हाँ, जो अधिक प्यार करता है वो क्या करता, तुरंत उस कुएं में कूद जाएगा, तुरंत जल्दी जल्दी उतरेगा। वो यह नहीं सोचेगा कि तुम ऊपर आओ, यह बात बिल्कुल नहीं सोचता, उतर जाएगा। प्रभु यीशु ने यही किया। हम जब पापमय कुएं में गिर चुके, बर्बाद हो रहे थे, नाश हो रहे थे, ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर क्या करता है, मनुष्य बनकर, पापी मनुष्य के सदृश बनकर इस संसार में आता है हमें बचाने के लिए। यीशु नाम का अर्थ है बचाने वाला, यीशु नाम का अर्थ है बचाने वाला। नबी इसाईस का ग्रंथ अध्याय 35:4 में लिखा हुआ है, भविष्यवाणी की गई थी, देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है, वो स्वयं तुम्हें बचाने आता है। देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है, वो स्वयं तुम्हें बचाने आता है। तो बचाने आया यीशु मसीह, हमें बचाने आया। बचाने के लिए उसको इस पापमय कुएं में, पापमय संसार में उतरना पड़ा, हमारे लिए दुख भोगना पड़ा, हमारे लिए कष्ट झेलना पड़ा, और वो उससे भागा नहीं, इन कष्टों से वो भागा नहीं। हालेलुया, 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 प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी स्तुति हो। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3:25 में लिखा है,
ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। ईश्वर ने चाहा, उसने जिसने हमसे प्यार किया उस ईश्वर ने चाहा, क्या चाहा कि ईसा रक्त बहाकर हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करें और हम विश्वास के द्वारा फल प्राप्त करें। क्या विश्वास करें, क्या विश्वास करके फल प्राप्त करें, या विश्वास करते हुए कि हमारा प्रभु हमसे प्यार करता है, वो हमारे बदले इस संसार में पापमय संसार में उतर आया, हमारे लिए कष्ट भोगा, हमारे बदले उसने दुख भोगा, हमारे बदले उसने प्राण पीड़ा सही, हमारे लिए वो मर गया, जहां हमको मरना चाहिए था वो मर गया, जहां मुझे कोड़े खाने चाहिए थे मुझे मेरे लिए उसने कोड़े खाए, जहां मुझे क्रूस पर लटकना चाहिए था मेरे बदले वो मर गया। दर्दनाक मौत, बहुत बुरी मौत, कुत्ते की मौत। हमसे प्यार किया इसलिए, हमसे प्यार किया इसलिए, और वचन कहता है कि हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें, विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। कौन सा फल? मुक्ति का फल, शांति का फल, अनंत जीवन का फल, आनंद का फल, जो भी फल, स्वर्ग जाने का जो भी फल है, क्या बोलते हैं, हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। पाप से मुक्ति, रोग से मुक्ति, दुख से मुक्ति, बंधनों से मुक्ति, सब कुछ से आज़ादी, सब कुछ से आज़ादी, सब कुछ से आज़ादी, इतना तक कि फिर एक बार वही जिस तरह सृष्टि की शुरुआत में परमेश्वर ने आदम हवा को अपने प्रतिरूप में बनाया, उसी प्रकार फिर एक बार नई सृष्टि, नई सृष्टि प्रभु यीशु के मृत्यु के द्वारा वो हमें नया बना देता है, वो हमारा कल्याण करता है, उद्धार करता है, मुक्त करता है, हमें आजाद करता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना हो। प्रभु यीशु हमारे लिए न सिर्फ जिए बल्कि हमारे लिए मर भी गए। पिछले साल भी मैंने एक नारा लगा, नारा के बारे में समझाया था, नारा जियो और जीने दो, जिन्होंने सुना उनको याद होगा, जियो और जीने दो। मैंने कहा था सबसे घटिया नारा है जियो और जिलाओ, बहुत अच्छा, किसी को याद है जियो और जिलाओ, यीशु मसीह ने यही किया, याद होगा जिन्होंने सुना है। मैंने कहा था कि जियो जीने दो, कुत्ता भी जीने देता है, जानवर भी जीने देता है, कोई बड़ी बात नहीं है, एक क्रिश्चियन फिलोसॉफी नहीं है, एक क्रिश्चियन थियोलॉजी भी नहीं है कि जियो और जीने दो, छोड़ दो जीने दो, अरे जीने दो छोड़ दो, नहीं, जिलाओ। मदर तेरेसा ने भी यही किया, जिलाया। प्रभु यीशु ने भी हमें जिलाने के लिए, हमें जिलाने के लिए, नया जीवन देने के लिए, परिपूर्ण जीवन देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए, हमें अनंत काल तक जिलाने के लिए उसने अपने आप को मार डाला, अपने आप को कुर्बान कर दिया। इसको बोलते हैं प्रेम। और वही वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को भी नहीं छोड़ा, अपने पुत्र को भी नहीं बख्शा, कि वो यदि हमारे लिए अपने पुत्र को कष्ट झेलने देता है, अपने पुत्र को इतना दर्द पीड़ा झेलने देता है, तो हमारे लिए सब कुछ क्यों नहीं देगा। इसलिए हमें चाहिए, परमेश्वर से चाहिए आशीष चाहिए, हम उससे कृपा चाहिए, तो हमको विश्वास करना पड़ेगा उसके प्रेम पर। ऐसे ही मानने से नहीं होगा कि यीशु मेरे लिए मनुष्य बने, मेरे लिए मर गए, ये मानना काफी नहीं है, हमको उसके प्रेम की गहराई पर विश्वास करना पड़ेगा, तब हम महिमा देखेंगे, तब हम चमत्कार देखेंगे। हालेलुया, 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 प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी स्तुति हो। ये खूबी हम बाइबल में देखते हैं, परमेश्वर ने बार बार अपनी प्रजा से कहा, तुम मेरी प्रजा हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। क्या कहा परमेश्वर ने? तुम मेरी प्रजा हो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। परमेश्वर ने हमेशा संबंध जोड़ा, परमेश्वर ने अपनी जनता से रिश्ता जोड़ा, और इतना ही नहीं, वो परमेश्वर अपनी प्रजा के साथ रहा। मैंने सुबह कहा कि वो दिन में बादल के खंभे के रूप में, रात को बिजली के खंभे के रूप में इसराइली लोगों के साथ चलता था, उनके साथ रहा हमेशा। वो परमेश्वर जो अपनी प्रजा के साथ रहा, उनके साथ चमत्कार महिमा करता रहा, वो परमेश्वर
हमें बचाने के लिए फिर एक बार मनुष्य बन के आता है, हमारे लिए दुख भोगता है, हमारे लिए कष्ट झेलता है, और इतना ही नहीं मरने के बाद भी जी उठ के संसार के अंत तक हमारे साथ रहने का वादा करता है, संसार के अंत तक सदा साथ रहने का वादा करता है। वो कहता है मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार है, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। उसके पहले कहता है याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। क्या हमें याद है कि प्रभु हमारे साथ हैं? क्या हमें याद है कि प्रभु हमारे साथ हैं? मूसा के इतिहास को थोड़ा पलट के देखें तो मूसा को हमेशा याद रहता था कि परमेश्वर उसके साथ है, क्योंकि उसने परमेश्वर से कह दिया था यदि तू हमसे प्यार करता है तो ये बता, युद्ध दिखा, तो हमारे साथ चल, तुझे भी हमारे साथ चलना होगा। और मूसा की जिद के कारण परमेश्वर ने स्वीकार किया था मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और इसलिए मूसा जब भी परेशानी होती थी, दुख आता था, समस्याएं आती थी, तुरंत परमेश्वर से बातें करता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हालेलुया। और वही प्रभु, वही परमेश्वर मर कर जी उठने के बाद हमारे साथ रहने आया, हमारे साथ चलने आया, हमारे साथ चलने आया, हमारे साथ रहने आया, हमसे दूर जाने नहीं आया। अपनी आंखें बंद करेंगे, एहसास करें जिस प्रभु ने कहा है मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं, वो हमारे साथ हैं, उसकी महान उपस्थिति को एहसास करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हमारे साथ रहने वाले, हमारे साथ रहने वाले, हमारे साथ चलने वाले, हमारे साथ चलने वाले, हमारे उद्धार करता, हमारे उद्धार करता, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे मेरे मुक्तिदाता, हे मेरे मुक्तिदाता, हे मेरे उद्धार करता, हे मेरे उद्धार करता, तूने मुझसे प्यार किया, तूने मुझसे प्यार किया, तूने मेरे लिए अपने प्राण को, तूने मेरे लिए अपने प्राण को न्योछावर किया, न्योछावर किया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तूने मेरे लिए कोड़े खाए, तूने मेरे लिए मार खाए, तूने मेरे लिए मार खाए, तू मेरे लिए घायल हुआ, तू मेरे लिए घायल हुआ, तू मेरे लिए क्रूस ढोया, तू मेरे क्रूस ढोया, तू मेरे लिए मर गया, तू मेरे लिए मर गया, तू मेरे लिए जी उठा है, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं बोल रहा था कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमारे साथ रहता है, इस्राएली लोगों के साथ जैसे वो रहा, वो आज भी हमारे साथ रहता है। तो हम किसके हैं? जब प्रभु हमारा है, हम प्रभु के हैं। जब प्रभु हमारा है, वो हमारे साथ रहता है, और हम प्रभु के हैं, हमें प्रभु के साथ रहना है। घर में, परिवार में बच्चे मम्मी पापा के साथ रहते हैं ना, पापा बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, मम्मी के साथ रहते हैं ना, बेटा बेटी लोग अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं। क्या माँ अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए जीती है या मरती है, बताइए? कोई बोलता है जीती है, कोई बोलता है मरती है। जी हाँ, जीती वह नहीं है, मरती है। जी हाँ, जीती थोड़ी है। छोटे बच्चे को जन्म देने के बाद वो अच्छे से सो भी नहीं सकती है। जी हाँ, मगर समय बीतते जाता है, बच्चे भूल जाते हैं, हम लोग भूल जाते हैं मेरी मम्मी ने क्या किया। इतना ही नहीं, पापा लोग भी, पापा भी जीते थोड़ी हैं, अपने परिवार के लिए बच्चों के लिए मरते हैं।
है ना, कितना परिश्रम करते हैं, जाएंगे कठिन परिश्रम करेंगे। मैं हाँ, कुछ लोग आज की दुनिया में कुछ लोग जीते हैं, वो लोग जीते हैं, खूब जीते हैं, खाओ पियो मस्त, सुबह से शाम तक हड़िया पियो, जी हाँ, और अपनी चिंता उनको रहती है, क्या बोलते हैं, गुड़का सुरती और क्या क्या खाना पीना सब कुछ ही, उसी में उनका जीवन लिप्त रहता, उसी में वो मग्न रहते हैं, उनको कोई चिंता नहीं। मगर हम देखते हैं दुनिया में बहुत मम्मी पापा लोग हैं, बहुत लोग हैं जो अपने लिए नहीं जीते हैं, वो कभी अपने लिए नहीं सोचते हैं, मगर अपने परिवार के लिए सोचते, अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए समर्पित किया है। मैंने कहा जो अपनों का नहीं होता है वो कभी किसी का हो नहीं सकता है, इसलिए हमें सबसे पहले जिस तरह प्रभु यीशु हमारा हो के रहा है और रहता है, हमें भी अपनों का होना है, हमें भी अपनों का होना है। हालेलुया, 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 प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना हो, प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी महिमा हो। प्रभु यीशु के जीवन को थोड़ा सा देखें, प्रभु यीशु जब जवान होने लगे थे तब से उन्होंने अपने जीवन को अपनी प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए समर्पित किया हुआ था। वो दुखियों के पास, रोगियों के पास चलते थे, गांव से गांव चलते थे, नगर से नगर जाते थे, जहां भी लोग इंतजार करते थे, जहां भी लोग उनको बुलाते थे, रोगी दुखी परेशान, वो वहां चल पड़ते थे। एक दिन ऐसी परिस्थिति थी, प्रभु यीशु लोगों को सुसमाचार सुना रहे थे, जेरूस उनके पास आके बोला मेरी बेटी मर रही है, प्रभु यीशु वचन दे रहे थे, प्रभु ने कहा मैं आऊंगा उससे चंगा कर दूंगा। तो प्रभु यीशु वचन सुनाने के बाद, लोगों को शिक्षा देने के बाद जाना चाहते थे, सब खत्म करके निकल चुके थे, जब रास्ते में निकल चुके थे तब तक उस जेरूस के घर से कोई आया, जेरूस से बताने के लिए कि बेटी मर चुकी है, गुरुवार को परेशान ना करें। तो प्रभु यीशु ने जेरूस से कहा आपकी लड़की मरी नहीं है, और प्रभु यीशु जेरूस के साथ चले गए उसके घर में, उसकी लड़की मर चुकी थी, प्रभु यीशु ने उसकी लड़की को जिला दिया। मार्था और मरियम ने अपने इकलौते भाई को खो दिया, वो मर चुका था, मार्था और मरियम ने प्रभु यीशु को बुलाने भेजा कि मेरा भाई मर रहा है, बीमार है, कंगाल है, परेशान है। प्रभु यीशु बहुत दूर प्रदेश में थे और उनका काम खत्म करके आ रहे थे, चार दिन बीत गए थे, लाजरुस मर चुका था, सड़ चुका था। प्रभु यीशु मार्था और मरियम के घर में आए, रोने लगे, उनको रुलाई आई, उन्होंने मार्था से और मरियम से भी पूछा तुमने उसे कहाँ रखा है, उन्होंने कहा प्रभु आज चौथा दिन है, दुर्गंध आती होगी। प्रभु कब्र के पास चले गए, प्रभु यीशु ने उनकी कब्र को खुलवाया और उसे मरे हुए को, सड़े हुए को जिला के बाहर लाया। प्रभु यीशु के अंदर इतना प्रेम था कि प्रभु यीशु कोढ़ियों को अपने हाथ से छू देते थे, कितना प्रेम। क्या वो प्रभु आज जिंदा है, मरने के बाद जी उठा है, वो प्रभु जो मुर्दों को जिलाता था, जो प्रभु कोढ़ियों को शुद्ध करता था, जो प्रभु जेरूस की लड़की को जिलाया, जो प्रभु पेतुस की सास को बीमारी से चंगा किया, बुखार से चंगा किया, यदि वो हमारे साथ है तो वो क्या आज हमारे साथ ऐसा कार्य नहीं करता है? यदि नहीं करता है तो क्यों नहीं करता? यदि वो यीशु हमारे बीच में उपस्थित है, मरने के बाद जी उठा है, हमारे साथ है, यदि वो 2000 साल पहले जब इस्राएली लोगों के साथ था, उसने चमत्कार किए, चिन्ह दिखाए, असंभव को संभव बनाया, क्या वो परमेश्वर जब आज हमारे साथ है, क्या वो आज हमारे साथ ऐसा कार्य नहीं करता? करता है कि नहीं? करता है। कितने लोग मानते हैं कि करता है? कुछ ही लोगों के हाथ हैं, और कुछ लोगों के हाथ बस इतना ही आ रहे हैं, बस ये देखिए, कुछ आते हो थोड़ा फुरा आ रहे हैं, कुछ लोगों के आधा है, इसका मतलब दिल से नहीं करता है। जी हाँ, वो थोड़ा सा करता है, तो कुछ लोग बोलना चाहते हैं जी हाँ, जो करता है तब तुरंत हाथ उठेगा, वो करता है, हाथ नीचे करिए। हमारे यहाँ कुछ दिन पहले एक बनिया औरत आई, उनको कई महीनों से लगातार ब्लीडिंग होता था और अन्य कई परेशानी थी, वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी,
डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन के लिए कहा था, बहुत इलाज सब कुछ करने के बाद भी कोई चंगाई नहीं मिली, ऐसी स्थिति में वो हमारे यहाँ आई। आने के बाद वो हमसे नहीं मिली, एक बहन थी हमारे यहाँ, उस बहन से मिली और इस औरत ने अपने दुख को सुनाया और उस बहन ने उस औरत से इतना ही कहा, हमारा प्रभु जिंदा है। सुन रहे सब लोग? उस बहन ने उस औरत से इतना ही कहा, हमारा प्रभु जिंदा है और हमारा प्रभु आपको चंगा कर सकता है। बस इतना ही काफी था उस माताजी के लिए और वो आंसुओं से भरने लगी, वो रोने लगी और इस बहन ने हाथ रख के प्रार्थना किया। बस दो चार मिनट की प्रार्थना, पांच मिनट के अंदर वो औरत ठीक हो गई। पांच मिनट के अंदर औरत ठीक हो गई। आप सोचिए, औरत ठीक हो जाएगी बनिया परिवार की ही है, वो छह महीने से परेशान थी, पांच मिनट में ठीक हो गई, क्या करेगी? उसके खुशी, उसकी खुशी का कोई सीमा नहीं है। वो अपने घर चली जाती है, घर जाके अपने घर से सबको बता देती है, बच्चों को बता दीजिए, बता देती है कोई परमेश्वर है तो वो यीशु मसीह है, यदि कोई जिंदा प्रभु है वो यीशु मसीह है। अपने पति को ले आती है, अपने बच्चों को ले आती है और धीरे धीरे करते हुए कई दिनों से, अभी छः सात महीनों से प्रभु के पास आ रही है। अपना पूरा घराना उसने प्रभु में लाया, अपने गांव के कई लोगों को उसने प्रभु में लाया, क्योंकि उस औरत ने प्रभु को जिंदा पाया, प्रभु के प्रेम को अनुभव किया, प्रभु की उपस्थिति का एहसास किया। हम लोग प्रभु को जानते हैं कि हाँ है, जिंदा है, दिमाग से, बुद्धि से, है ना, हम एहसास बहुत कम करते हैं, प्रभु की महान उपस्थिति का एहसास हम बहुत कम करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा है, जहां पर भी दो या तीन मेरे नाम पर एकत्र होते हैं वहां उनके बीच मैं उपस्थित रहता हूं। जहां भी दो या तीन मेरे नाम पर एकत्र होते हैं वहां उनके बीच मैं उपस्थित रहता हूं। हो सकता है प्रभु यीशु रोटी के रूप में तो हमारे बीच उपस्थित रहते हैं, वचन के रूप में उपस्थित रहते हैं, कलीसिया के रूप में उपस्थित रहते हैं, क्या इतना ही है? हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो।